राम राम। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार, अब देखो एक चीज़ समझो, भ्रष्टाचार करप्शन सब समझते हो। अब किसी से भी अगर तुम बात करोगे, ठीक है, तो वो सबसे पहले ये बात करेगा कि तुम्हारी मेन स्ट्रीम में सैलरी कितनी है, मतलब कि इन हैंड जो सैलरी मिलती है या फिर अकाउंट में जो क्रेडिट होती है, पहली सैलरी वो हो गई, तो पहली सैलरी कोई तुमसे पूछेगा वो सैलरी कितनी है। जब तुम उस सैलरी के बारे में बता दोगे, फिर उसका तुरंत क्वेश्चन होता है ऊपरी कमाई कितनी है। और ये ऊपरी कमाई का कल्चर पता है कहाँ से आ रहा है? अपने घर से ही आता है। क्यों? क्योंकि घर वाले भी देखो तुम्हें उस वाली नौकरी के लिए सलाह देते हैं जिसमें ऊपरी कमाई ज़्यादा हो, ठीक है, वो कहेंगे ऊपरी कमाई इसमें इतनी हो जाती है, ये हो जाती है, तो तुम्हें घूस लेने के लिए ऑलरेडी घर वाले ही मोटिवेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। और फिर अगर तुम इस कल्चर में फंसने के बाद तुम ये कह रहे हो देश आगे नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो तुम सबसे बड़े चोर हो। तुम्हें ये कहने का हक नहीं है, तुम्हें तो लात मार के भगाना चाहिए। अभी सुनो, इंजीनियर एक थी मैडम, 30,000 रुपये सैलरी है, उनके घर में 30 लाख का सिर्फ टीवी लगा था, अभी पकड़ी गई है। इन लोगों के ऊपर NSA लगना चाहिए, और NSA लगा किसके ऊपर दिया गया? मनीष कश्यप। वो असलियत जब दिखा रहे थे उसके ऊपर NSA लगा के घर में कुटकी करा दी गई। ये तो है बिहार सरकार तुम्हारी। हम बिहार के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सब स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि 30,000 की सैलरी पाने वाली वो इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, उनके पास 30 लाख का टीवी घर पे लगा है, 10 उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, आलीशान बंगले में वो रहती हैं, कहाँ से आ गया पैसा? ये सब तुम लोगों का पैसा है, जो आम जनता का पैसा है वो सब वो खा रही हैं अकेले। अब समझ लो सरकारी नौकरी कहाँ, किस लिए लोग डिमांड करते हैं सरकारी नौकरी की, किस लिए सरकारी सेक्टर में घुसना चाहते हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है 30,000 आज के टाइम पे बाहर जाके कहीं कमाना आसान नहीं? बहुत आसान है, लेकिन वहाँ क्या है, वो 30,000 सैलरी थोड़ो ना, 30,000 तो वो तो ऐसे नॉर्मल में हो गया, महीने का 30-40 लाख रुपया घूस से मिलता है। तो देशद्रोह अगर लगना भी है तो इनके ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि वाकई में ये असली देशद्रोही ये है। क्यों है ये बताते हैं हम, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, मंत्री हो, अगर किसी के पास इस तरीके की चीज़ें होती है डायरेक्ट लगना चाहिए। होता क्या यार कि जब ये छोटी छोटी घूस नहीं होती, ये होती 50-50, 60-60, 100-100 लाख की घूस, ये क्या होता है तुम समझ के देखो। मान लो एक तुम एज्यूम करके देखो, तुम्हारे मोहल्ले की रोड बनने के लिए पैसा पास हुआ, वहाँ से मानते हैं 50 लाख रुपया पास हुआ, ठीक है, नीचे आते आते नगर निगम में कट गया, नीचे आके बाबू जो होते हैं वो कट गया, तुम्हारे क्षेत्र के पार्षद विधायक होते हैं उनमें कट गया, तो वो जो 50 लाख रुपया ऊपर से पास हुआ था रोड के लिए, वो रोड पे आते आते बचता है 15 लाख, और उसमें ठेकेदार भी पेल देता है। अब 5-10 लाख रुपये में वो रोड बननी जिसके लिए 50 लाख रुपया पास हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है कितने दिन टिकेगी वो रोड? तो बस इस वजह से ये कल्चर अगर ख़त्म नहीं हुआ, या फिर इस कल्चर के खिलाफ कुछ बड़े कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे ही होता रहेगा। तुम्हारे मोहल्ले में एक रोड बनती है, एक बारिश में वो बह जाती है, क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न यही है कि वहाँ से जितना पैसा पास हुआ तो उसका 5-10% ही लगा उस रोड में। तो सरकार के पास पैसा बहुत है, सरकार खर्च भी बहुत करती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि नीचे तक आते आते सब पैसा खप जाता है उनके पास। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि एक ऐसी टीम बैठानी चाहिए जो इन सब की, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इन सब की पहले तो संपत्ति की जाँच हो, और अगर सही सॉलिड प्रूफ ना मिले इनके सबके ऊपर NSA लगना चाहिए। अबे सोच के देखो तुम यार, कि अगर मान लो हम, ये कहीं हुआ नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं कि अगर मान के देखो, मान लो कोई ऐसा है, सब रजिस्ट्रार जो होते हैं या फिर वो होते हैं BDO होते हैं जिनके अंदर में बहुत सारी ज़मीन होती है, या फिर हम कलेक्टर की बात कर देते हैं जिनके ऊपर जिले की पूरी ज़मीन होती है, कि मतलब वो अधिकारी होते हैं ज़मीन के टोटल। अब वो किसी की ज़मीन को कहीं भी सैंक्शन करके किसी को भी दे सकते हैं, उनकी ज़मीन है, क्योंकि भाई जिले में जो अपर पोस्ट पे बैठा है, ये समझ लो उस ज़मीन का वो मालिक होता है, ठीक है, सरकारी ज़मीन का मालिक होता है। कोई अगर अतिक्रमण वहाँ पे है तो वही हटवाएगा, कोई अवैध अगर कब्जे हो गए तो उसको वही हटवाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मालिक वही है। अब सोचो वही मालिक अगर वो ज़मीन बेचने लगे, सरकारी ज़मीन को वही मालिक अगर किसी प्राइवेट कंपनीज को दे दे, फैक्ट्री मालिकों को दे दे, मॉल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको दे दे इनको बेचने लगे, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये जितनी भी ज़मीनें जिनको मिलनी थी उनको तो नहीं मिलने से रही, और उनकी जेबें भर जाएंगी। तो अगर कभी भी ऐसा कहीं भी मिले हमें, तो लगता है सीधे उनके ऊपर NSA ठोको और उनको करो अंदर, सीधे ख़त्म काम, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें लेखपाल लेवल से शुरू होती हैं, मतलब जो लेखपाल, एक पटवारी या लेखपाल होता है, उसको देखा है तुमने, 2,000-3,000 रुपये तो ऐसे ले लेते हैं जैसे कि मान लो मतलब कुछ है ही नहीं, वार्म अप करते हैं 2-3 हज़ार रुपये में, और वो बढ़ के हो जाता है 2-3 लाख। कितनी सैलरी होती होगी लेखपाल की? 25-35 हज़ार के बीच में होती होगी जहाँ तक, और उनके बंगले देखो जाके जरा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, जो भी भ्रष्टाचार करता है सरकारी नौकरी में रह के उसके ऊपर डायरेक्ट NSA ठोक दो, खत्म काम। और वो बेचारे मनीष कश्यप भाई साहब, बढ़िया, थोड़ी बहुत उनकी भी चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन जो काम वो करते हैं वो बहुत सॉलिड करते हैं, तो उनको जेल भेज दिया बताओ। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हम लोगों को, और खासकर बिहार के लोगों को। राम राम, जय।